हाँ सभी, गुड गुड आफ्टरनून मैम। कुछ आफ्टरनून बेटा। देखिए, लीनो पे अभी बना रहे थे, ये दिख नहीं रहा है। अच्छा, हाँ दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। हाँ ठीक कर रही हो, अच्छा कर। मैम ये जैसे जो ब्लैक दिख रहा है मेरा प्रिंट होने पे वही दिखेगा, हाँ ये जो ब्लैक दिख रहा है ना। और जो ग्रे हो गया लेकिन है वो जो है वो नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा गहरा काटना, हाँ मैम, कटिंग करके निकालो, थोड़ा गहरा काटा रहे तो रोलर से जब इंक लगाओगे तो उस पार्ट पे भी इंक लग जाएगा और वो भी प्रिंट हो जाएगा। हाँ मैम, जो ये छोटा छोटा रह गया, हाँ हाँ देखिए छोटा ये सब काटना। छोटा रह गया है लेकिन फिर भी गहराई तुम्हारे में नहीं आ रही, थोड़ा गहरा और करो उसको। हाँ हाँ मैम, अभी पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए हो नहीं रहा। थोड़ा और निकाल दो नहीं तो प्रिंट जब करोगे तो उसमें भी इंक भर जाएगी। और इसमें इसमें पूछ रहे थे मैम, जो ये वाला पोर्शन है ये भी हम निकालना चाह रहे थे, या अगर ना निकाल लो, अच्छा निकालें ये वाला शेड अगर कर दे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, इस टाइप का कर लगेगा, दें कर मैम। सकती हूँ कर सकती हूँ। इसके अलावा और कोई डिजाइन नहीं बना सकते, मतलब कैसा बनाए समझ नहीं आ लीव रहा। मैंने तुमसे कहा थोड़ा बढ़ा दो, हाँ लीव्स, अच्छा मैम ये कर देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। इसको बहुत सारे कर दो और बाकी पार्ट निकाल दो। लीव्स का मैम ये इधर का पोर्शन दिया था बस, और हाँ लीव्स और घनी कर दो, बनाए। लीव्स खूब सारी कर दो, खूब घनी कर दो। अच्छा सब करना पड़ेगा इधर। और मैम पानी में इससे क्या करें, और इसको और गहरा निकालें पानी में, लाइंस में और ब्लू लेकर के आओ, और गहरा। लाइंस थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा सा ब्लू लेके, अभी थोड़ा सा तुम्हारे हाथ में थोड़ा डर दिखाई दे रहा है, जैसा दिख रही है लाइंस ना टेढ़ी मेढ़ी या सही से तब नहीं तक दो तीन नहीं बनाएंगे, नहीं सही होगा। है लाइंस। हाँ तो वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी प्रिंट आएगी, ये ध्यान रखना, जितना हाथ को स्मूथ चला सकोगे उतना अच्छा है। आशुतोष म्यूट करो बेटा। लीव्स और बना ले रहे हैं मैम। ठीक, ठीक है करो, ये वाले टूल लाई तब तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी इससे काटने में। ये टूल दिया उसने तुम्हें, तभी तो लाइंस नहीं अच्छी आ रही है। और ये एक लीनो काटोगे उसके बाद ये जो है टूल्स तुम्हारी बेकार हो जाएंगे सभी। यार मैम इसका कोई और मैं अमेजोन पे मिलते हैं, बहुत अच्छे टूल्स मिलते हैं, मैं तुमको शॉर्ट भेजूंगी, देखना और लिंक मंगा लेना वही भेज वाले। ठीक है, क्योंकि दूंगी, ठीक। इससे इससे तो हाथ काटना बहुत दुखते टफ हैं। है, तभी तो तुम्हारी लाइंस में रिदम नहीं आ रहा है हाँ वो मैम, इससे हाथ और काटने दुखते में भी हाथ टफ हो रहा होगा ना, तभी तुम्हारे अच्छे से नहीं निकल रहा लेनो उसमें। ये टूल्स हाँ, बहुत तो बेकार होते हैं, मैम पता नहीं था ना कि और कौन से हैं। मैंने तुमसे कहा था जब टूल्स लेना तो मुझे बता देना या मुझे वीडियो कॉल करके दिखा देना, तुमने ये ध्यान वाला नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं रखो इसको, नहीं बस ये कि इससे बहुत टफ लगता होगा तुम्हें, हाथ दर्द करने लगता होगा है ना, बहुत दर्द हो रहा है हाथ पर। और स्मूथ नहीं चलता होगा। और ये जैसे नाइफ जैसी जो है इसकी जगह तुम स्टेंसिल का यूज करो, स्टेंसिल से ज्यादा अच्छा काटता है, जो स्टील वाली स्टेंसिल आती है, मैम इसका स्टेंसिल यूज कटर। क्या जब करना है? ज्यादा लीनो निकालना हो आपको या कोई लाइन बनानी हो, लाइन बनाने में उसका यूज करना है, मैम ये लाइन के लिए तो हमने स्केल से कर लिया था, ये देखिए लेकिन लाइन सही नहीं आ रही हो, निकल नहीं रही होगी सही। मैम, निकल स्केल रख के लीनों से निकाल दिया था किनार, मतलब बिल्कुल सीधा चला गया था, देखिए मैम गहरी हुई है ये तो। हाँ ठीक है, ठीक है मैम, बना रहे हैं। हाथ दर्द कर रहा होगा तुम्हारा अच्छा खासा। हाँ तो यस मैम, हमें सर्वाइकल भी है इसलिए और दर्द होने लगता है। ये टूल यूज करोगे तो यही होगा, मैं तुमको भेजती हूँ अमेजोन पे, बहुत अच्छे टूल्स हाँ हैं, मैम, ऑनलाइन मंगा उसको लेंगे, हम भेज दीजिएगा। मंगा लो, बहुत अच्छा शार्प चलता है। लेकिन टूल्स का यही होता है सब, यह एक से दो जहां काटा तुमने टूल्स जो है शार्पनेस खत्म हो जाती है।
अच्छा, फिर ये कैसे शार्प होगा फिर? या तो रेगमार्क यूज करना, रेगमार्क से वो उसके जो टूल्स जो है, जो लिड्स है, जो नाइफ है, वो थोड़ी हल्की होती तो रेगमार्क से शार्प हो जाती है, पर ये वाले जैसे हार्ड है ये शार्प नहीं हो पाते हैं। ठीक अच्छा है, ठीक है मैम। आशुतोष। मैम कीर्ति मैम, उसकी वो मैम मेरा फोन खराब हो गया था, तो इसलिए मैम मैं इससे ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा ठीक, बहुत दिन बाद क्लास में आई, कहाँ थी? मैम मेरा फोन खराब हो गया था फिर मैम, इसलिए मैंने अभी चेंज नहीं हो पाया, तो मैम इसलिए मैं दूसरे फोन से कर रही हूँ क्लास, अभी नहीं था मैम। तो क्या काम कर रही हो कीर्ति? जी मैम ये देखिए मैम, मैंने दो पेंटिंग मैम ड्रॉ की है। मैम तीन बाई चार के कैनवस पे एक फिगर बनाओगी तो? तीन छोटा है मैम, बाई चार का बहुत बेटा, क्या बनाओगी और क्या है इसके साथ? ठीक मैम खाली है, तो सिंगल मैं क्या रखा है कंपोज करूंगी? मैम अभी तो। मैम खाली पीछे सोचा था स्टेप टाइप में थोड़ा करने के लिए मैम, तो कुछ नहीं बस यही फिगर खाली एक हाँ तो मैम। ड्रॉ करके दिखाओ। मैम कलर मैम कौन सा यूज कर ले इस पे? कलर तुम्हें जो अच्छा लगे बेटा। जी मैम। मैम जैसे मेरे पास पोस्टर कलर रखे हुए हैं मैम, इसके अभी के लिए मैम यूज कर सकते इस पे पेपर हाँ पे? पेपर को यूज कर सकती हूँ, कमी और मैम मेरे पास ऑयल बयां करना। पेपर। जी मैम ठीक, तो मैम पोस्टर कलर है मैम, तो उसी से मैम कलर करके मैं आपको शेड दिखा देंगे अभी। ठीक है, ठीक मैम। तो दिनों में तुमने दो ही ड्राइंग बनाए और कुछ नहीं किया। नो मैम और कुछ नहीं किया अभी मैम। मैम ये लीनो के लिए मेरे पास भी यही वाले टूल्स है, तो फिर मैम क्या करें? तुम्हारे पास भी एक टूल रखे हैं कि तुमने मंगा लिए हैं? नो मैम मंगाए नहीं अभी मैम, पहले के थे मैम, तो मैम मैंने अपनी फ्रेंड उनको को रखते दे रहने दो दिया है। बेटा, दूसरे मंगाओ, इनसे नहीं कटते हैं, इनसे लाइंस में वो जो फ्लो नहीं आता अच्छे से। जी मैम मैंने आपको सेंड किया था ग्रुप पे, फिर मैम क्वेरी है, तो मैम दूसरे टूल्स मंगवा लें। हाँ मैं भेजूंगी, मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, तुम्हें जी मैम इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा, नहीं तो फिर विनोद भैया अगर उनसे मंगाती हो तो उनसे मंगा लो। जी मैम, वैसे मेरे घर के पास रियासत की दुकान दस्तोगी के पास है, तो वहीं से सारे सामान खरीदते हैं हम लोग, तो मैम वहां पे भी एक बार देख लेंगे, इसके अलावा कोई होगा तो मैं आप पिक भेज ठीक दीजिएगा मैम, हम अमेजोन से भी है मैम कर ठीक देंगे। है ठीक है। जी मैम ओके मैम। तो तुमने लीनो के लिए कोई डिजाइन नहीं बनाई अभी बेटा? अच्छा अभी नहीं बनाई मैम, लीनो भी मैम खरीदना अभी मैम, मेरे पास लीनो नहीं है मैम। पेपर पे बना ले कि मैम डायरेक्ट इसी पे बनाए? पेपर बना के पहले दिखाओ बेटा। हेलो तभी यहाँ ये टूल जो है, ये भी जो है रेगमार्क से शार्प हो जाएगा। रेगमार्क रखे हो क्या? नो मैम, मेरे पास तो नहीं होगा। रेगमार्क मंगा लेना, रेगमार्क से शार्प करते रहो उसको। और मैं मैम कर रही हूँ, लीनो तो करते कलर रहो। पूछा था, तो कलर वो बोला था कि छोटे साइज में कलर आते हैं, इस साइज में सिर्फ ब्लैक आता है, अच्छा हाँ, तो कलर कोई और नहीं था उसके पास तो मैम। ब्लैक सामान लिया ही लिया? तुम? हाँ ब्लैक ही लाए मैम, 5-10 पहला फिर लिया। ब्लैक ही निकालो, एक ब्लैक निकालो, क्योंकि डबल के लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा, तब तुम सीख पाओगी मेरे पास। अभी तो मैम आएंगे तब आप बता दीजिएगा। हाँ तो अभी ये वाला ब्लैक निकालना, अभी इसको कर लो। और मैम ये सामान ले रहे थे उसको, तो वो पूछ रहा था ये कानपुर यूनिवर्सिटी का सामान है क्या? अच्छा यहाँ से बहुत लोग लेते हैं ना, मैम हो सकता है इसीलिए जान रहा होगा। मटेरियल लिया तुमने और साइज वगैरह के हिसाब से समझ गया होगा। लीनो और कोई कलर नहीं मिला उसके पास? वो छोटे साइज का था सारा, हाँ वो साइज 12-18 नहीं मिलता है, और वो बहुत अच्छे मैंने मिलते हैं, सिर्फ ब्लैक बोला था उनसे ब्लैक। प्रिंट बहुत अच्छे निकलते हैं। अच्छा अच्छा कलर था मैम बहुत। हाँ बहुत अच्छा, और कटिंग के बाद भी बड़ा अच्छा लगता है वो, ऐसे भी आप रख लो उसको कटिंग करने के बाद। मैं मेरी सिस्टर वो टेक्सटाइल पढ़ाती है, मेरी छोटी सिस्टर नीव में, हाँ तो
तो वो हर कलर कलर का बनवाती है बच्चों से, वो कपड़े पे निकलवाती है प्रिंट का सारे, तो उसके पास कई कलर के हैं, खूब बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं उसके पास। ये साइज बड़ा ऑड है ना, 12-18 हाँ इतने नहीं मिलता है। बड़ा। अभी जैसा है काटो इसको और फिर एक मार्क मंगा लेना, उससे एक्स्ट्रा शार्प बना रहेगा तुम्हारा। और अगर हाथ में दर्द आता तो धीरे धीरे कट करो, नहीं तो बैठ जाता दर्द उससे। मैम मेरे पास ये ऑयल पेस्टल कलर रखे, मैम ये यूज हो सकते कैनवस पे मैम? कैनवस पे कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। जी मैम। कम नहीं पड़ना चाहिए बस, नहीं तो फिर डब्बा खरीदना पड़ेगा तुम्हें। जी मैम। ये ध्यान रखना है क्योंकि 3x4 का कैनवस है तुम्हारा, है ना। जी मैम। कर ठीक सकती मैम। हो। ठीक मैम। मैम इसकी कलर स्कीम है मैम, हम आपको कल दिखा देंगे मैम फिर दोनों की। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्लास चल रही है, अगर तुम जिस समय काम करते ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक जी मैम अभी मैम कर मतलब कि करेंगे कर रहे हैं मैम, फिर कल मैम आपको पूरी दिखा देंगे, वो कह रहे हैं अभी हम कलर स्टार्ट कर रहे हैं मैम करना। कलर स्टार्ट करो, जी थोड़ा हो जाए तो मुझे दिखा दो थोड़ी देर में। ठीक मैम। जी मैम ओके। है। लीफ थोड़ी पतली बनाओ, सभी है बहुत मोटी है, थोड़ी पतली करो। आती है
लाइंस का ध्यान रखना सब, या लाइंस बहुत स्मूथ आनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल ना हो। जहाँ टेढ़ी मेढ़ी हुई वही छप के वही दिखेगा, ठीक है। ठीक है मैम।
मैम करके देखो, करके देखो बेटा। जी मैम।
मैम इस टाइप से सोच रहे थे मैम ड्रेस में। सही है, ठीक है करो। जी मैम। मैम इसके बैकग्राउंड में मैम कलर का मैम जैसे पैच टाइप वर्क कर सकते हैं मैम? करके देखो फिर बताते हैं। जी मैम। मैम एक बार देखिए। ठीक करे बेटा, ठीक करो, सही है।
मैम इस टाइप से जा रहे थे मैम। सही लग रहा है, पूरा करके दिखाओ ऐसे ही।
आज ही कंप्लीट हो जाएगा सब या नहीं मैम लग नहीं रहा है। आराम से करो, तुम्हारे हाथ में प्रॉब्लम क्यों, दर्द बहुत तेजी से उठता, अभी नया है ना, तुम्हारी आदत है नहीं, तो धीरे धीरे करो। इतना बस कर पाए आज ही हाँ सुबह, सुबह ठीक है, में हल्का सा बस कर लिए थे, उसके बाद सोचे आपसे क्लास होगी पूछना था इसीलिए हल्का ठीक कर लिए थे। मैम पानी है। है बता दीजिए। पानी ऐसे ही रखो, कुछ नहीं करना, क्योंकि ब्लैक पार्ट बहुत कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो पानी का ऐसे ही ठीक है। और अच्छा पक्षी में और कुछ नहीं करना, ये बैकग्राउंड में जितना तुमको करना हो कर लो, फिर कल देखेंगे। इसमें कुछ कहीं निकालना पड़ेगा कोई पार्ट? नहीं अभी मत करो, अभी मत करो, पहले तुम किनारे कटिंग कर लो, साहब से हम फिर बताएंगे। ठीक ठीक है हम कर लेंगे तो है ठीक। दिखाएंगे मैम। लग रहा है एक बार में 3-4 दिन में हम एक बार कर पाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। आराम आराम से करो, कल करना, कल की वाली क्लास में, ठीक है? अभी छोड़ दो उसको। ठीक ठीक है मैम, ये कल है वो कर, बेटा, ठीक है, ठीक ठीक है मैम। है, लॉग आउट कर दो तुम लोग।